इस फोटो पे आप देख पाओगे 7 पॉइंट हैं जो बताए गए हैं कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में जो मिस्टेक होते हैं इन रीजन के वजह से होते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट है वर्कमैनशिप की कमी। मान लेते हैं हम किसी भी वर्कर को कुछ बताते हैं, लेकिन वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस काम को करते हैं, इसलिए मैक्सिमम मिस्टेक कंस्ट्रक्शन में देखे जाते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर खड़े होकर करवाओगे, जब वो ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान एक मेसन के पास रह सकता है, लेकिन हर मेसन के पास एक ही टाइम पर रहना मुमकिन नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम मिस्टेक देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। जो आपके पास मेसन है, अगर वो आपकी बात मानते हैं और उस तरीके को फॉलो करके काम करते हैं, तो मिस्टेक कम से कम देखने को मिलेगा आपको। इस फोटो में आप देख पाओगे कि कंड्यूट पाइप को ले जाया जा रहा है, लेकिन बीच में कॉलम आ गया। तो कॉलम आ गया तो वहाँ पे उन्होंने कंड्यूट पाइप को एल्बो लगा के मोड़ा है, तो वहाँ पे कॉलम के स्टील को ही कट कर दिया गया है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि सामने वाला मेसन अपने काम को बस करना चाहता है, बाकी किसी भी टाइप का मिस्टेक हो या प्रॉब्लम हो तोड़ फोड़ हो, उसे उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो बस अपने काम को करके देना चाहता है, बाकी वो किसी भी टाइप की उसमें गलती क्यों ना कर दे। तो यहाँ पे भी वही देखा गया कि उसने कॉलम के स्टील को ही काट दिया कंड्यूट पाइप को ले जाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी गलती है। लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप अगर गलती कर भी देता है मेसन, तो अब उसे देखना पड़ेगा कि उसे ठीक किस तरह से करवाए, ना कि उसे प्लास्टर में छिपवा दिया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।